सुप्रीम कोर्ट रे परी मामलार सुनाणी परी का मां सौदामिनी साहू को द्वारा दाखल होइतबा रिट पिटीशन उपरे सुनाणी होछे। रजिस्ट्रार राजेश कुमार गोयल को खंडपीठ रे मामलार सुनाणी होछे। मामलार गुरुत्व को बुझिछंती रजिस्ट्रार एपे मुख्य बेंच रे हेबो मामलार सुनाणी। एप्रिल 19 रे मामलार सुनाणी हेबो बोली जणा पडिछे। परी मां को ओकिल स्वस्तिक दलाई एही सूचना दैछंते। पूर्वरु मामलार सुनाणी समय राज्य सरकार को काउंटर आफिडेविट दाखल करबा को 4 सप्ताह समय देतिले सर्वोच्च कोर्ट। गत वर्ष जुलाई मास रे परी को अपहरण परे हत्या करा जायतिबा अभिजोख होइथिला। राज्य पुलिस एवं एसआईटी तदंत रे असंतुष्ट होई सीबीआई तदंत दाबी करथिले परी रमा। एनी अधिक सूचना पई हम सहित जोडै रहछन्थे हम दिल्ली प्रतिनिधि गगन विशाल। गगन, ये होचे चर्चा आजिर नुहे, ये चर्चा दीर्घ दिन रु धरि आसीछे किभली परी को न्याय मिलिबो। सबुठी जोरदार प्रतिपाद आंदोलन ए सबु चलीछे एवं ये सबु भितरे सुप्रीम कोर्ट रे परी मामलार सुनाणी हेबो बोली जहाँ आभास आसी पहुँचुछे। अधिक अपडेट कौन आसुछे? हेलो, परिंक मा सौदामिनी साहू को द्वारा दाखल होइतबा रिट पिटीशन उपरे सुनाणी होइछे। सुप्रीम कोर्ट रे परी मामलार सुनाणी हेबो, अर्थात रजिस्ट्रार राजेश कुमार गोयल को खंडपीठ रे एही मामलार सुनाणी होइछे। मामला को गुरुत्व बुझिछंती रजिस्ट्रार, एबे मुख्य बेंच रे मामलार सुनाणी हेबो। पुणि थर आम सहित जोड़े रहिछन्ते हम प्रतिनिधि गगन विश्वाल। गगन, जाने को चाहिबो ये होछे चर्चा दीर्घ दिन रु धरि आसीछे, अर्थात किभली परी को न्याय मिलिबो सेने सपुरी महल रे चर्चा जोरदार धरिथिला। आंदोलन प्रतिवाद ये सब भितर सुप्रीम कोर्ट रे परी का मां मध्य से किभली सीबीआई तदंत पई दाबी करूथिले एवं वर्तमान समय रे सुप्रीम कोर्ट रे परी मामलार सुनाणी हेबो। अधिक कोन अपडेट आसुछे? देखु, निश्चित भाव गोटे दुखर कथा मुझे कही रखा चाहे, जितेबाला सौदामिनी साहू रिट पिटीशन दाखल करे से प्रथम हियरिंग होता है और उभय सीबीआई और राज्य सरकार को 4 सप्ताह मध्य निजर काउंटर आफिडेविट दाखल करने कह जोटा किदिन पूर्व गोटे सप्ताह पूर्व राज्य सरकार काउंटर आफिडेविट दाखल कर राज्य क्राइमब्रांच थ्रुए से सीधा सड़क से उल्लेख करते आम पूरा जांच सारी सारी हाइकोर्ट में ये नहीं आम तथ्य दाखल कर सारी। हाइकोर्ट कौटना कौटी सन्तुष्टि व्यक्त करते कि कथा हो जितेबाला जड़े न्यायिक परंपरा उपर न्यायिक व्यवस्था उपर जो प्रश्नवाची तैयारी कैर जो अभियुक्त को लेकिन पीड़ित परिवार जिते सन्तुष्टि होते पीड़ित परिवार चाहूँ सीबीआई इनक्वारी करने से राज्य सरकार कौटी रही जा असुविधा कौट रोच बुझा बर्तमान कौटी ना कौटी साधारण साधारण लोक साधारण बुझा कष्टर होना जिते पीड़ित पर चाहूँ सीबीआई इनक्वारी जो पीड़ित पर इनक्वारी सन्तुष्टि ना से राज्य सरकार ए सहमति न दे कि उल्टा कहीं विरोध कर स्वार्थ रोच सीधा सड़क जो मंत्री कथा कहतु बा लोकल नेता ना से उल्लेख करिट पिटन में हुए तो सुरक्षा देवाई राज्य सरकार ये स्टेप नहीं था कि जो रही परीर वकिल से तथ्य रखी थे एविडेन्स रखी थे जहाँफल राज्य सरकार जो काउंटर आफि दाखल करते से काउंटर आफिडेविट्र आज कौन प्रभाव पड़ना मुझे कहबी कहीं हे तो जो भाई ढंग से काउंटर आफिडेविट को दाखल कराई से पूरा डेट वाइज उल्लेख कराई 94 पृष्ठार जो एविडेंस से दाखल करते से स्पष्ट भाव उल्लेख करते एसआईटी जांच किभली भाव होमें इनक्वारी कर सारी अनेक गुड़े तथ्य से उल्लेख करते सी सबू सत्वे बर्तमान मेन बेंच को मेटरटी जावा मेन बेंच रे हियरिंग हवा और मेन बेंच वाइज डेट गोटे प्रकार स्थिरीकृत होप्रिल 19 तारीख ता अर्डर सीट आसला जजमेंट कपी आम हस्तगत है आ कि समय पर जजमेंट कपी आस तो से चित्र आहरी स्पष्ट हो डेट 19 तारीख रोच ना आट अगर किसी डेट को परवर्ती पर्याय से चित्र स्पष्ट होगा किंतु कथा हूँ जितेबाला मुख्य बेंच को जीव मेटरटी तेज निश्चित भाव से सुजोग रहा उभय सीबीआई को कहतु जेहतु सीबीआई गोटे पक्ष रही तेना सीबीआई केस ना चाहूँ कि ना सीबीआई पाखे समय रही कि ना जो भी भाव चाइल्ड ट्राफिकिंग कथ उल्लेख करते परीर वकिल सीधा सड़क से गोटे छोट पिलार इश्यू नुहे राज्य में एभली अनेक छोट पिला रही जो अंग तस्करी होेणु जदि मुख्य बेंच में मेटरटी होयरी हम तेणु निश्चित भाव आगे अधिक तथ्य बर्तमान राज्य सरकार को मानव बेंच मागि राज्य सरकार किभली ढंग से दौरान और बड़ कथा हूँ जो छोट पिलागुड़ी अनेक संख्यार राज्य हजि जाती से तथ्य परी को वकिल रखुं तेनाली राज्य सरकार कौन स्टेप नहीं गोटे बड़ हरड़ घड़े पड़ पारती आगामी दिन में।
ଏଭଳି ଅନେକ କେବଳ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଅନେକ ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ବି ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ବେଞ୍ଚରେ ଶୁଣାଣି ହେବ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଥିଲା, ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ତ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେ April 19 ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଯେ ମାମଲା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।